हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द क्लास। बेटा आज की क्लास में हम रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में हमने हिडन गुडविल का कंसेप्ट सीखा और रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में पढ़ा और रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्रीज भी की। आज की क्लास में भी हम रिवैल्यूएशन से रिलेटेड पहले कुछ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्स वाई दो पार्टनर्स हैं, 3:2 उनका रेशो है। जेड एडमिशन ले रहा है और जेड के आने के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो हो जाएगा 3:1। मतलब कि जेड कितने पार्ट के लिए आ रहा है, जेड 1/6 पार्ट के लिए आ रहा है, 1/6 शेयर उसको फर्म से मिल रहा है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, डेप्टर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स अपीयर्ड एट 50,000 एंड 5,000। मतलब कि एडमिशन के टाइम, जेड के एडमिशन के टाइम फॉर्म के पास 50,000 रुपीज़ के डेप्टर्स थे और 5,000 रुपीज़ का PBD था, मतलब कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स था। ऑल डेप्टर्स आर गुड। और अब क्या बोल रहा है कि सारे डेप्टर्स अच्छे हो गए हैं, इसका मतलब आपका पैसा कोई भी बैड डेप्ट्स नहीं होगा, इस बात की हमें श्योरिटी दे दी गई है। तो अब हमें प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स हमारी लाइबिलिटीज़ क्या हो गई है बेटा, डिक्रीज़ हो गई है। तो जब भी लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के किस साइड जाती है, क्रेडिट साइड में जाती है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जनरल एंट्री में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री हो जाएगी प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 रुपीज़ से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हमें रिवैल्यूएशन से क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड में एंट्री गई है, रिवैल्यूएशन के बाय साइड में गई है। इट मीन्स हमें 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, जिसे हम एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाईज कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो इस क्वेश्चन में क्या है, 3:2 है। तो इस तरीके से बेटा आपको जब रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्रीज़ के बारे में पूछे तो आपको इस तरीके से एंट्रीज़ को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड जेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, स्टॉक बुक वैल्यू 1,00,000 इज़ टू बी रिड्यूस्ड बाय 40%। एक्स वाई दो पार्टनर है, 3:2 रेशो है उनका, जेड आ रहा है 1/4 शेयर के लिए और एडमिशन के टाइम क्या कह रहा है, स्टॉक की जो बुक वैल्यू थी, मतलब कि बैलेंस शीट में जो स्टॉक शो किया हुआ था वो 1,00,000 रुपीज़ का था और अब वो क्या हो गया है, 40% रेड्यूस हो गया है, मतलब कि कम हो गया है। तो इससे क्या हो जाएगी, असेट्स हमारी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और फर्नीचर की बुक वैल्यू थी 60% और फर्नीचर भी क्या हो गया, रेड्यूस हो गया 40%। तो दोनों असेट्स हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसलिए रिवैल्यूएशन में किस साइड जाएगा, डेबिट साइड एंट्री जाएगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जनरल एंट्री में क्या होगा, डेबिट होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू फर्नीचर। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू फर्नीचर 40,000 36,000। इसके बाद प्रॉफिट या लॉस फाइंड करेंगे। तो इस सिचुएशन में एंट्रीज दोनों डेबिट साइड में गई है, इसलिए हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। कितने रुपीस का हो जाएगा, 76,000 का हो जाएगा। ये बेटा एक बार ये और देख लीजिए कि कैसे आया। देखिए, 1,00,000 का 40% 40,000 और 60,000 का 40% 36,000 आया है। ठीक है, क्योंकि इतनी ही अमाउंट रिड्यूस हुई थी, कम हुई थी। तो अब हम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशो में 3:2 में। तो 76,000 को जब 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमारे पास जो डिजिट आ गए वो कौन से आ गए, 45600 और 30400। तो इस तरीके से बेटा आपको रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जनरल एंट्री करनी है और अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आ जाए तो भी आप इजीली बना सकते हैं। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, आपने एडमिशन चैप्टर के अंदर क्या क्या सीख लिया है, NPSR फाइंड करना, मतलब कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को फाइंड करना। नेक्स्ट आपने सीखा सेक्रीफाइसिंग रेशियो को फाइंड करना। उसके बाद आपने सीख लिया है कि
गुडविल के क्या क्या एडजस्टमेंट हैं, मतलब कि जब नई पार्टनर गुडविल लेके आता है तो कितने तरीकों से लाता है, और एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए आपको क्या करना है, और उसके साथ साथ हिडन गुडविल कैसे फाइंड करनी है। उसके बाद में आपने सीख लिया है कि वैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री कैसे सॉल्व की जाती है और रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। इसके बाद बेटा जो एडजस्टमेंट आ रहा है वो होता है रिजर्व्स का एडजस्टमेंट। आपको पता है हमारी फॉर्म में कुछ रिजर्व्स दिए होते हैं, तो उन रिजर्व्स के लिए क्या एडजस्टमेंट करना है तो वो हम सीखेंगे। तो बेटा देखो मैं आपको बता देता हूँ कि रिजर्व्स के लिए आपको क्या करना है। जितने भी रिजर्व्स आपको एडमिशन के टाइम बैलेंस शीट में दिए हुए हैं, जितने भी रिजर्व आपको बैलेंस शीट में दिए हुए हैं उन रिजर्व्स का आप एडजस्टमेंट करोगे, क्या करोगे, उनको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। क्या करना है आपने, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। जैसे कि आपको जनरल रिजर्व दिया है तो एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। ये सेम थिंग बेटा आपने लास्ट चैप्टर में भी की थी, चेंज इन पीएसआर में भी हमने यही किया था। जब नई फॉर्म में नहीं लेकर जाता रिजर्व तो वो क्या करता है, पुरानी फॉर्म में ही उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो वही हमें यहाँ करना है, जितने भी रिजर्व्स हैं वो पार्टनर्स के अंदर, ओल्ड पार्टनर्स के अंदर ओल्ड रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। इसके साथ साथ एक तो आपका WCR वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये दोनों रिजर्व्स के जो एडजस्टमेंट है जो लास्ट चैप्टर में आपने सीखा है वही है, तो मैं अब दोबारा नहीं बताऊंगा आपको। आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या आप वापस से वो वीडियो देख सकते हैं पुराने वाली WCR की, ठीक है, WCR की और IFR की। तो देखिए हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में आप समझ जाओगे किस तरीके से करना है हमें। तो एक्स वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ऑन 1st April 2019 दे एडमिटेड जेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। ऑन दैट डे देयर वॉज ए बैलेंस ऑफ 1,50,000 इन जनरल रिजर्व एंड ए डेबिट बैलेंस ऑफ 20,000 इन द P&L अकाउंट ऑफ द फर्म। मतलब कि एक्स वाई दो पार्टनर्स हैं और जेड को एडमिशन दे रहे हैं, और एडमिशन के टाइम उनकी बैलेंस शीट में एक तो जनरल रिजर्व शो किया हुआ है और एक P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस शो किया हुआ है। तो मैंने आपको बताया है जितने भी रिजर्व हैं उनको आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहली एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। 150 को किस रेशो में बांटना है, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है, 3:2। इसी के साथ साथ P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया है तो उसको भी आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो जब P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया होता है तो P&L अकाउंट क्रेडिट होता है, इस बात का आपको पहले से पता है। तो एंट्री क्या हो गई, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सॉरी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपने 3:2 में 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक और रिजर्व का क्वेश्चन है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। जेड वाज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स। ऑन दैट डेट ऑफ जेड सबमिशन द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई शोड जनरल रिजर्व ऑफ 2,50,000 एंड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 50,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, जनरल रिजर्व दिया है, P&L अकाउंट दिया है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें ऊपर वाले क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस दिया था लेकिन यहाँ क्रेडिट बैलेंस दिया है, तो इसका मतलब इसको हमें जनरल रिजर्व की तरह ही ट्रीट करना है। तो हम एक साथ कंबाइन एंट्री कर देंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और 3 लाख मतलब कि 2,50,000 जनरल रिजर्व के और 50,000 प्रॉफिट एंड लॉस के एक साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स वाई में, किस रेशो में, 2:1 रेशो में, और 3 लाख को डिवाइड किया तो 2 लाख और 1 लाख आ गया। तो इस तरीके से आपको बेटा एडजस्टमेंट करना है, किसका, रिजर्व्स का एडजस्टमेंट करना है, ठीक है जी। तो बेटा अब तक हमने एडमिशन चैप्टर के सारे एडजस्टमेंट सीख चुके हैं, जिसमें NPSR, SR, गुडविल,
रिवैल्यूएशन अकाउंट और रिजर्व्स, बस इतने ही थे। इसके साथ साथ आपके जो क्वेश्चन हैं उसके अंदर आपको बैलेंस शीट बनाना इस बार सिलेबस में नहीं आएगा, इसलिए हम बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस नहीं करेंगे। सिर्फ आपको पेपर के अंदर पूछा जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना और पीसी अकाउंट बनाना, मेनली आपको दो ही चीज़ पूछी जाएगी। तो हम सिर्फ जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें पीसी अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाएंगे, बैलेंस शीट आपको पूछेगा नहीं, इसलिए बैलेंस शीट नहीं। लेकिन जो रिवैल्यूएशन और पीसी बनाएंगे उसके अंदर जो हमने अभी तक सीखा है वो सारे एडजस्टमेंट आएंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए एक्स वाई जेड आर इक्वल पार्टनर्स, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं, इक्वल हैं और उनकी कैपिटल फॉर्म में लगी हुई है 1500, 1750 और 2000। दे एग्री टू एडमिट डब्ल्यू इनटू इक्वल पार्टनरशिप अपॉन पेमेंट इन कैश ऑफ 1500, मतलब कि वो डब्ल्यू को एडमिशन दे रहे हैं 1500 रुपए की कैपिटल के साथ और 1/4 शेयर के साथ, ठीक है। अब देखिए 1500 रुपए वो गुडविल के लेकर आ रहा है और 1800 रुपए वो कैपिटल के लेकर आ रहा है, क्या कह रहा है, इन कैश ऑफ 15,000 फॉर 1/4 शेयर ऑफ गुडविल एंड 1,800 एज इज कैपिटल, बोथ सम्स टू रिमेन इन द बिजनेस, बिजनेस में ही रहेंगे, मतलब कि पुराने पार्टनर्स इसे विड्रॉल करके नहीं लेकर जाएंगे, ठीक है। द लाइबिलिटीज ऑफ द ओल्ड फर्म अमाउंटेड टू 3000, मतलब कि जिस टाइम W का एडमिशन हुआ उस टाइम फर्म के पास क्या क्या असेट्स और क्या क्या लाइबिलिटीज थी वो बताया हुआ आपको, तो 3000 की असेट्स थी अपार्ट फ्रॉम कैश, कंसिस्ट ऑफ मोटर्स, फर्नीचर 400 का, स्टॉक 2650 मतलब कि 2650 और डेप्टर्स 3780 का। मोटर और फर्नीचर को रिवैल्यूड किया गया 950 और 380 से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री करनी है और बैलेंस शीट भी बनानी है इस क्वेश्चन में, लेकिन बैलेंस शीट आपके सिलेबस में नहीं है तो बैलेंस शीट नहीं बनाओगे, हम इस क्वेश्चन को रिवैल्यूएशन, जर्नल एंट्री, रिवैल्यूएशन और पीसी तक करके छोड़ेंगे। वैसे आपको इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट बना के दिखा दूंगा, क्योंकि आपकी नॉलेज के लिए आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट किस तरीके से बनाते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो देखिए सबसे पहले न्यू पार्टनर क्या लेकर आया, गुडविल लेकर आया और कैपिटल लेकर आया, तो उसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो वो 3300 रुपीज़ लेकर आया है टोटल। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स टू वाई टू जेड, मतलब कि जितनी भी गुडविल की अमाउंट लेकर आया उसको हमें किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक्स वाई और जेड में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 500, 500 और 500 कर दिया आपने। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। देखिए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो हमें क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है कि पहले जो मोटर्स थी वो 1200 की थी, अब 950 की उसे रिवैल्यूड की गई है, तो हमें क्या करना है, जो डिफरेंस है वो डालना है किस में, रिवैल्यूएशन में, मतलब कि मोटर कार है, जो मोटर्स हैं वो 250 रुपये से कम हो गई है, पहले 1200 की थी अब 950 की हो गई है, तो 250 से कम हो गई है इसलिए हमने टू साइड डाल दिया, और फर्नीचर भी 20 रुपीज़ से कम हो गया इसलिए हमने टू साइड डाल दिया, हमें 270 रुपीज़ का लॉस हो गया जिसे हमने ओल्ड रेशो में इक्वल बांट दिया, ओल्ड रेशो इक्वल था इसलिए। अब देखिए हम पीसी बनाएंगे तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल, फिर बाय कैश कितने लेकर आ रहा है वो कैपिटल के 1800 और गुडविल को बांट देंगे बाय गुडविल 500, 500, 500 क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशो यही है, और रिवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफ़र कर देंगे और हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी 1910, 2160, 2410 और 1800, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट पूछे तो किस तरह से बनाओगे, इसमें देखो क्वेश्चन में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, तो वो भी आपको बनानी पड़ेगी, जो डेटा आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं सीधा बैलेंस शीट में लिख दोगे और आपके पास बैलेंसिंग फिगर से कैश आ जाएगा कितना, 220। अब देखिए आप जब न्यू फर्म की बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, मोटर कार कितने की हो गई है, अब 950 की, फर्नीचर अब कितने का हो गया, 380 का, स्टॉक कितने का हो गया, 2650 का,
डेप्टस कितने के हो गए 3750 के, और कैश 220 का, और प्लस कितने हो जाएंगे 3300, क्योंकि 1800 रुपये वो कैपिटल के लेके आया और 1500 रुपये वो गुडविल के लेकर आया। लायबिलिटीज़ आ जाएगी 3000 से और क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, ये जो हमने बैलेंस शीट निकाला है, तो हमारा टोटल हो जाएगा 11280। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये आपका लेंथी क्वेश्चन जो पेपर में आएगा वो इस तरीके से आएगा। एडमिशन चैप्टर से आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछेगा और पीसी अकाउंट पूछेगा, बैलेंस शीट आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि आपके सिलेबस से कट हो चुकी है, लेकिन बाकी के जो भी आपको एडजस्टमेंट है वो सारे पता होने चाहिए, तो क्योंकि छोटा क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार और लेंथी क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे आप सब अच्छे अच्छे बच्चों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।